तगड़ी चेकिंग चल रही है यहाँ पे। पूरे जवान लोग सब अपना ड्यूटी निभाते हुए, यही इनकी देवी देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुफा है, जितने भी पहाड़ नजर आ रहे हैं सब गुफा है। ये देखो यहाँ पे स्मेल आ रहा है चमगादड़ का। Hey guys, welcome back, vlog सरोल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आज है 22 फरवरी और आज कचारगढ़ मेला स्टार्ट होने वाला है, तो वही दिखाने के लिए मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ। कचारगढ़ यहाँ से 100-110 किलोमीटर के आसपास में है, भिलाई से डोंगरगढ़ से 25 या 30 किलोमीटर के आसपास में है। तो डोंगरगढ़ होते हुए अपन चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बाई रोड भी बतला दूंगा क्योंकि ये जो मेला है 22 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक रहेगा, तो आप भी उस बीच में आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। किस तरह का मेला होता है वो भी आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारा ब्लॉग, हमारा मेहनत अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो घर से अभी 12:30 को निकल रहा हूँ मैं, मेले का ही वीडियो शूट करना है। इस वजह से सुबेला संडे मार्केट यहाँ पे लगता है, लेकिन अब बहुत हद तक चेंज हो गया है। पहले क्या रोड किनारे में पूरा दुकानें सज जाते थे, लेकिन अब चेंज हो गया भाई साहब। फुटपाथ पे चलने के लिए गेरियल लगाने वाले है, जहाँ तक मुझे लग रहा है चलने के लिए इस तरह से बना रखे है, और अच्छी बात है भाई। जैसे बड़े बड़े सिटियों में हुआ करता है उस तरह से बना रहे हैं। और राजनांदगांव में संतु भाई अपने से मुलाकात करेंगे, मतलब कि वो भी जाने वाले हैं हमारे साथ में, और उन्हीं का प्लान था कि आज अपन निकल जाते हैं करके। तो मैं संडे को सोचा था, बट कोई नहीं, संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड भी रहता और अपन को राजीव सूर्यनारायण मेला भी जाना है। सूर्यनारायण मेला और राजीव मेला तो 24 को चालू है, आज तो 22 तारीख है। ये सुपेला की स्थिति भी पूरी चेंज हो गई है भाई, अड़ जाओ यार का संगवारी। अभी हम लोग सेक्टर 5 आ चुके हैं, मतलब कि ये सेक्टर 6 वाला पेट्रोल पंप है, सिविक सेंटर यहाँ नज़दीक में ही है, तो यहाँ पे पेट्रोल डला लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब सब रोक रहे हैं ना, तो सब मुड़ मुड़ के वापस जा रहे हैं। ये देखो तगड़ी चेकिंग चल रही है यहाँ पे, इसलिए हेलमेट वेलमेट लगा के चलो रे भीड़ो तो काम भारी हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ भी चलान कट रही है भाई साहब, इधर बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोका गया है, लेकिन हर जगह चलान कट रहा है, अब सीजन आ गया भाई। गाइस तो अभी हम लोग पुलगांव चौक पहुंच गए हैं, देखो शिवनाथ नदी, अच्छा लबालब पानी भरा हुआ है। इतना तो महानदी में पानी नहीं रहता है भाई। अंजोरा शहर है, छोटा सा शहर है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे कॉलेज वगैरह हैं जैसे कि अपोलो, और ये लेके जाती है थनौत के लिए। थनौत तो आप सब जानते होंगे, जहाँ पे मूर्ति बनाया जाता है। तो आप यहाँ से आना जाना कर सकते थे, जी रोड है ये जो सीधा नागपुर को जोड़ती है, और यहाँ पे धूले है 755, नागपुर है 230, राजनांदगांव है यहाँ से 20 किलोमीटर। राजनांदगांव में संतु भाई हमसे मुलाकात करेंगे, फिर देखते हैं की गाड़ी में चलेंगे या फिर उनके साथ में कोई और है। राजनांदगांव पहुंच गए हैं और अपने को भी जाना है रेलवे स्टेशन, क्योंकि संतु भाई वहीं पे खड़े हैं। तो ये रेलवे स्टेशन जाने वाली रूट है, थोड़ा सा दिखा भी दूंगा आप लोगों को रेलवे स्टेशन राजनांदगांव का। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। सुपर फास्ट वगैरह तो राजनांदगांव में इक्का दुक्का ही रुकती है, हर गाड़ी तो रुकती भी नहीं है, लोकल ज़्यादा रुकती है। अगर गोंदिया महाराष्ट्र जाना हो तो यहाँ से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। देखते हैं कहाँ पे खड़े हैं संतु भाई। ये है सामने में रेलवे स्टेशन। ये हाईवे को छोड़ना पड़ेगा डोंगरगढ़ जाने के लिए, क्योंकि वहीं से शॉर्टकट है। तो गाइस ये देखो डोंगरगढ़ यहाँ से 23 किलोमीटर है, खैरागढ़ 66, बालाघाट 137, सीधे ही चलते ना। हाँ देखो गाइस मंदिर यहाँ से 6 किलोमीटर है, और अपने को जाना है कचारगढ़ यानी कि गोंदिया। तो ये अंदर अंदर अपन जाते हैं ना तो शॉर्टकट रहता है। तो ये रहा बम्बलेश्वरी दरबार, वैसे तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हैं। सही शमशान घाट है, यही कार पार्किंग करवाता था। अच्छा तो लिफ्ट के नाम से आ गया यही कार। हाँ अब जो लोग कार पार्किंग किए थे ना फैमिली, अच्छा ये लिफ्ट फैमिली का आए थे कार पार्किंग किए थे ना। हाँ ये कार खड़ी है वहाँ पर, वो लाश जल रहा था हर तेरे की। ये देखो सब दर्शन करके वापस हो रहे हैं, सीधा जाते हैं तो छोटी बम्बलेश्वरी है। अब अपने को अंदर घुसना है, ये मस्त बना दिया, पहले ऐसा नहीं था। हम राइट जाते हैं तो मार्केट यानी सिटी के लिए, और लेफ्ट जाते हैं तो अपने को हाईवे मिलेगा, तो अपना हाईवे से चलेंगे, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा हाईवे। तो गाइस भाई देख भी लिया करो यार, कहाँ देख रहा हूँ मोड़ कहाँ रहा है। लड़का वही का सब फैमिली के साथ घुमा थे। अब ये वाली रोड है गाइस हमारी गोंदिया वाली, तो यहीं पे चलेंगे, पहले अपन पानी वानी पी लेते हैं। इधर जाए किधर जाए, यहाँ पे पार्किंग स्थल है,
अगर आते हैं कार बाइक से तो यहीं पार्क करना पड़ेगा। इससे पहले रेलवे फाटक है, तो रेलवे फाटक से पहले ही आप लोगों को गाड़ी वाड़ी पार्किंग करने का सुविधा मिल जाएगी, और यहाँ से पैदल ही जाना होता है। तो आप देख लो, दुकानदारी लग चुकी है और कुछ कुछ दुकानदारी लगना स्टार्ट भी हो गया है। फिर पहला डे के हिसाब से उतना क्राउड होता नहीं है, फिर भी पूरा माहौल दिखाने के लिए हम पहले दिन पहुंच गए हैं। और यहाँ पे पूरे जवान लोग सब अपना ड्यूटी निभाते हुए रुकेंगे। तो अभी हम लोग गाड़ी यहीं पे रखे हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप कभी भी बाइक से कार से आते हैं तो दो स्टॉप मिलेंगे, एक तो आपको फाटक से पहले मिलेगा, दूसरा यहाँ पर मिलेगा। अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको फाटक से पहले आपको गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा। अगर भीड़ कम रहती है तो फिर आप यहाँ तक अपने बाइक का लेके आ सकते हैं, जो आपको मैं दिखाया वहाँ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंच बना हुआ है ये दिखा देता हूँ, ये जो कि यहाँ से अपने को अंदर घुसना है कचारगढ़ गुफा के लिए। यहाँ पे मंच बना हुआ है जहाँ पे कार्यक्रम होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं भी अच्छे से नहीं जानता, फर्स्ट टाइम अपन आए हुए हैं। और ये कितना सुंदर से दिख रहा है, और अभी लग ही रहा है पूरे दुकानदारी। यहाँ पे काफी सारे आर्मी वाले लोग बैठे हुए हैं जिसको ड्यूटी बता रहे कि कहाँ कहाँ पे ड्यूटी लगने वाली है करके। एम्बुलेंस भी खड़ी है, चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कचारगढ़ गुफा मेला। यहाँ से फिर भी होगा 1.5 किलोमीटर के आसपास में ही होगा भाई, पैदल जाना पड़ता है अगर यहाँ तक आपकी गाड़ी आ जाती है तो, नहीं तो फिर मान के चलो 2-3 किलोमीटर। और ये देखो पूरी दुकानें अभी सज रहे हैं, देखते जाइए आप लोग, ये पूरा अंदर तक दुकान सज रहेगा क्योंकि मेला है 26 फरवरी तक, तो उस बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। डोंगरगढ़ से 20-25 किलोमीटर ही है। ये देखो कचारगढ़ मार्क करके लिखा हुआ है, 2 किलोमीटर यहाँ से अपने को अंदर घुसना है। देखते जाइए पूरा दुकान एरिया, अभी वही है पहला डे है करके भीड़ थोड़ा सा कम है। अब देखते हैं गुफा के अंदर किस तरह से भीड़ है। तो ये मेन पार्किंग स्थल है, इसके बाद तो गाड़ी ले जाना सख्त मना है, तो यहीं पे रखते हैं अपनी गाड़ी। हम फाइनली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दिया है। गाड़ी पार्किंग का भी फिलहाल तो कोई चार्ज लिया नहीं है क्योंकि आज मेला चालू हो गया, इस वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन नीचे में अगर रखते तो टिकट लेना पड़ता। बाकी गाइस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टेंट भी लगा के रखे हुए हैं, देखो। अब पता नहीं ये यात्रियों के लिए है या फिर जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए है। तो यहाँ से अपने को जाना है अंदर गुफा के लिए, और यहाँ पे मंदिर भी है तो उनका भी दर्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ जूते चप्पल यहाँ उतारे, मतलब कि यहीं उतारना पड़ेगा जूता चप्पल। और यहाँ पे दुकानें सब सजे हुए हैं, बस तो पूरा दुकान सजा हुआ है जैसे कि आप लोगों को मैं आते समय दिखाया। और ये देखो हम सुंदर सा गेट बना रखे हैं, तो ये सीधा लेके जाती है गुफा के लिए। यहाँ से भी एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से अपन जा सकते हैं। तो भैया बता रहे थे, ये वाले दुकान वाले भैया, कि आधा अधूरा बना हुआ है, तो अपने को फिलहाल यहीं से जाना पड़ेगा। हर जगह एकदम सुंदर सा सजा रखे हैं, तो चलो हम माता का दर्शन कराते हैं आप सभी को, उसके बाद फिर अपन चलेंगे गुफा की ओर। यहाँ पे बारी बारी से लोग दर्शन करे करके बीच से इस तरह से रस्सी से बांध के रखे हुए हैं ताकि भक्तों को कोई कष्ट ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दाई काली कंकाली, तो अभी घर बैठे दर्शन करिए। देखो इतनी प्यारी प्रतिमा है, यहाँ पे घोड़ा हाथी सब बने हुए हैं, तो ये पूरा आदिवासी कल्चर है। यही इनकी देवी देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं मेला में दर्शन करने के लिए। अभी लिखा हुआ है सूर्य अस्त के बाद प्रवेश प्रतिबंधित है। यहीं पे आप लोगों को जूता चप्पल छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हम छोड़ दिए हैं, और नंगे पैर ही जाना पड़ेगा। पहले क्या था, मेला चालू नहीं था तो जूते भी आप अंदर लेके जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेले के उपलक्ष्य में जितने भी लोग आएंगे सबको नंगे पैर ही जाना पड़ेगा, और अभी काफ़ी दूर है गुफा। गाइस तो देखो ये गुफा
काफी बड़ा सा गुफा है, एशिया का दूसरा लार्जेस्ट गुफा है ऐसा बोला जाता है। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ का व्लॉग शूट किया था ना, यहाँ के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को। जब मैं व्लॉग शूट किया तो उनको पता चला कि हमारे डोंगरगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा सा विशालकाय गुफा है जिसे आप देख पाएंगे। और अभी हम फिर से जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी वही शाम के 3:40 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 बजने को है। वहाँ पे शायद भक्तगण पहुंचे हुए हैं जो जयकारा लगा रहे हैं। तो मस्त एकदम पेंट वेंट एकदम चकाचक करके रखे हुए हैं भैया है गुफा जहाँ पे जयकारा लग रहा है। काफी सारे भक्तगण अंदर में है, अच्छा से पेंट कर दिए हैं। और अभी शाम का समय है और भाई ये देखो लाइट लगाने के लिए तार वार सब खींच रहे हैं बढ़िया सा। ये देखो भाई बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टाने हैं। तो गाइस यहाँ पे ना फर्स्ट गुफा है जो अपन देखने वाले हैं, ऊपर भी और नीचे भी है। उसके बाद यहाँ से लगभग 500-800 मीटर के आगे और गुफा है। देखो वैसे तो यहाँ से नजर आ रहे हैं गुफा, काफी भयानक दिख रहा भाई ये वाला गुफा, क्या जबरदस्त गुफा बना हुआ है। इसीलिए तो इसको एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुफा बोला जाता है। जयकारा लगाते हुए तो फिलहाल अपन यहाँ चलते हैं, इधर का गुफा देखते हैं। काफी सारे भक्तगण पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलो भाई लोग नारा लगाते हुए चलते हैं भाई। यहाँ से नजारा देखो, क्या ही गजब का नजारा भाई। कुछ लोग ऊपर ही जा रहे हैं डायरेक्ट, नीचे में भी है गुफा वो भी देखेंगे अपन। तो ऊपर में गुफा है, सीढ़ी दी गई है ऊपर चढ़ने के लिए और सीढ़ी भी अच्छा खासा पेंट कर दिए हैं। ये देखो गुड़ियों लोग भी ऊपर चढ़ गए, अब हमारी बारी है। नीचे में भी गुफा है लेकिन नीचे में बहुत कम ही लोग जाते हैं। आपको दिखाता हूँ नीचे का गुफा एक बारी। ये देखो नीचे में भी गुफा है, चलते हैं। तो अंदर में तो लाइट वगैरह है नहीं तो मैं चालू किया हूँ। और ये देखो घर बैठे दर्शन करिए, अभी जो भी आपकी मनोकामना भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसके ऊपर वाले गुफा में चलते हैं। सीढ़ी दी गई है, लोहे की है ये पूरी सीढ़ी। मैं सीढ़ी चढ़ाई करके ऊपर आ गया हूँ और ऊपर से कुछ इस प्रकार से नजारे हैं। और यहाँ पे लिखा है सीसीटीवी कैमरा जगह जगह पे लगा हुआ है। तो चलते हैं और गुफा अंदर से देखते हैं। यहाँ पे कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, इस तरह से चट्टाने हैं। चढ़ाई करके आपको ऊपर आना पड़ेगा। और ऊपर से जो नज़ारे हैं काफी बेहतरीन नज़ारे हैं भाई, देखो एक नंबर। चलो अंदर चलते हैं और गुफा दिखाते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर नारियल फोड़ना एवं अगरबत्ती जलाना सख्त मना है, यानी कि पूजा अर्चना होती है यहाँ पे। तो आप भी घर बैठे दर्शन करिए, जो भी मनोकामना है घर बैठे मांग सकते हैं अगर आप नहीं आ पा रहे हैं। गुफा देखो यार काफी बड़ा सा ये गुफा है, ये तो फिर भी छोटा समझ लो। अभी आप लोगों को हम बड़ा गुफा भी दिखलाने के लिए ले चलेंगे। यहाँ पर है नागदेव, ये देखो इनका भी घर बैठे दर्शन करिए नागदेव जी का। गुफा तो देख ही रहे हैं भाई, भयानक है भाई गुफा, मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आज पहले डे के अकॉर्डिंग आज भीड़ कम है, सही भी है भाई। ज्यादा भीड़ रहता है तो सही से ब्लॉग भी नहीं बनता है। तो हम दर्शन करते हैं और यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। जैसे कि ये पीछे साइड में देखो नज़ारे, अल्टीमेट नज़ारे हैं। दर्शन आप लोगों को करा दिया, अभी हम ना दूसरा गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफी सारे गुफा है, जितने भी पहाड़ नजर आ रहे हैं सब गुफा है। उसी को देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और साल में 5 दिन का मेला लगता है। इसी गुफा के अंदर हम गए हुए थे, बेहतरीन काफी बड़ा सा गुफा है। तो चलो नीचे चलते हैं, अब हम यहाँ चलेंगे ऐसे। उधर भी गुफा है वो देखने के लिए। और यहाँ पे देखो वाटरफॉल बहता था यहाँ पे, लेकिन इसको भी बना दिए हैं, पाइप लगा दिए हैं यहाँ पे ताकि पानी यहाँ रिश्ते हुए चले जाए। तो चलो ये गुफा देखते हैं ये वाला। और नंगे पर देख रहे अपन चल रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं जो पैर में चुभ रहे हैं। तो आपको इसी तरह से जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। नोकीले नोकीले पत्थर है यहाँ पे, हाँ नोकीले नोकीले पत्थर हैं। पैर में गड़बड़ गए तो फिर लेने के देने।
तो कभी भी आप आते हैं संभाल के आइए। ये वाला जो गुफा है ना, अपन अंदर कभी गए नहीं है, तो हम सोचे कि ये भी दिखा देते हैं। पूरे चमगादड़ आवाज आ रहे हैं अपने को। एक और बड़ा गुफा है वहां पर है, वहां भी चलेंगे। फिलहाल इसे देखते हैं। झंडा भी लगाया गया है, पहले ये सब नहीं था, मेला के उपलक्ष्य में लगाया गया है झंडा। और ये देखो यहाँ पे स्मेल आ रहा है चमगादड़ का, और पूरा साफ सफाई किए हैं। वैसे इसे नहीं जा सकते आप लोग, तो यहीं से नज़ारा एक बार बाहर का देखते हैं, फिर अंदर का देखेंगे। ये देखो इस तरह से फुल नज़ारे हैं पहाड़ों के, बड़े बड़े पहाड़ हैं। और ये गुफा है, प्राकृतिक गुफा, देख लो भाई साहब क्या ही भयंकर दिख रहा है यार। बनावटी देख इंसान डर जाएगा। देख रहे हो किस तरह से बनावट है पहाड़ों का। तो यहाँ अंदर चलते हैं, ये देखो इस तरह से बना हुआ जाने का। लेकिन वही ये पत्थर वत्थर है तो वो थोड़ा सा पैर में चुभ रहा है, बट आए दर्शन करने तो दर्शन करा ही देते हैं। ये देखो दादाजी बैठे हुए हैं, बहुत सारे चमगादड़ हैं यहाँ पे। अच्छा घर बैठे दर्शन करिए गाइस, जय भगवान। अब यही रहते हैं जब तक मेला चलेगा तब तक, उसके बाद चले जाओगे? तो 12 महीना रहते हैं वहाँ पे। अच्छा तो यहाँ वहाँ जाकर आदमी नहीं कर रहते। अच्छा यहाँ जानवर नहीं रहता क्या यहाँ पे? ना ये भी जानवर नहीं। अच्छा चमगादड़ का है वो, स्मेल जो आ रहा चमगादड़ का, आवाज भी आ रहा ना चमगादड़ का। बस देखना गुफा तो देख, काफी बड़ा गुफा है यार। अरे मस्त है भाई। अरे वाह, और तू आ सकता है अभी पूरा उसका। ये जो है ना वो पूरा, हाँ उसका वो है पोटी है चमगादड़ का, लेकिन रोशनी नहीं है ना ज्यादा, कुछ सही से दिख नहीं रहा है। गाइस तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग।